नमस्कार दोस्तों, रेखा रसोई उत्तराखंडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे भटका पलो। भट भिगा दिए सफ़ेद वाले, एक दिन पहले भिगा देना। आपको दिन में बाद बनाते हैं ना, उस समय बनाना है तो रात को भिगा देना है। सुबह भी भिगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने कल रात को ही भिगा दिए थे। कढ़ाई रखना है, सरसों का तेल डाल देना है। तेल गरम हो चुका है, अब हम भुनेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च चावल के साथ खाने में, ये पलो भात के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। कट करके इसका स्वाद ही कुछ और आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हरी मिर्च हम लोग भूनते हैं। यहाँ पे मैंने चार मिर्च भून ली हैं। अब थोड़ा सा मैं डाल दूँगी जीरा, फिर उसके बाद डाल देंगे ये भट। जितने भी भट भिगाए थे सारे मैंने डाल दिए। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, दो तीन मिनट इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे गाढ़ा करने के लिए, पलियों को गाढ़ा करने के लिए डालेंगे ये बेसन। ये लगभग चार चम्मच, बड़ी चम्मच के बेसन है, इसको डाल दिया। इसको भी अच्छे से भून लेने हैं धीमी आँच में। बेसन को भून लेने हैं मीडियम आँच करके, ज़्यादा फुल आँच करके नहीं भूनना, ये जल जाएगा और इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो इसको भी एक दो मिनट तक भून लेना है। ये मैंने दही लिया है, इसको मट्ठा वाला बनाते हैं, लेकिन मेरे पास मट्ठा नहीं है, मैं इसका ही मट्ठा बनाऊंगी। दही ले लिया, उसमें पानी डाल दिया। इसको अच्छे से मत दूंगी, इससे पूरा मिल जाएगा, ये मट्ठा जैसा बन जाएगा। मट्ठे में डाल देंगे मसाले, जीरा पाउडर, ये डाला मैंने, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची नहीं डाली, मिर्ची भुनी हुई है उससे ही हो जाएगा। मसाले डाल ली हूँ, ये थोड़ा सब्जी मसाला है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये डाला नमक डेढ़ चम्मच, मिला लिया है और बेसन भी भून गया अच्छे से, खुशबू आने लगी है। इसमें डाल देंगे अब ये मट्ठा, मसाले वाली मट्ठा डाल देंगे। इसमें दोबारा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है भट में, मट्ठा में डाल दिए सारे मसाले। अब ये एक उबाल आने तक मैं इसको फुल फ्लेम पे एक उबाल आने दूंगी, उसके बाद मीडियम करके ये पकता रहेगा धीरे धीरे। जब ये गाढ़ा हो जाए, पक जाएगा, अच्छे से मिला देंगे। एक उबाल आने तक मैंने फुल फ्लेम किया था, हाई गैस किया था। ये उबल गया है, थोड़ा घट भी गया है, अब धीरे धीरे ये पक रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे इसको पका लेंगे, थोड़ा गाढ़ा हो जाए फिर इसमें धनिया कट करके डाल देंगे। पलो बनके तैयार हो गया है। इसमें एक मिर्ची कट करके डाल देंगे। इसमें मिर्ची नहीं डाली है, ना मैंने मिर्ची पाउडर डाला है, ना हरी मिर्ची कट करके डाली है, ये वाली मिर्ची डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं, इससे ही मिर्ची हो जाएगी। और भात बन चुका है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ, परोसती हूँ। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, ये बहुत टेस्टी होता है, इसे भी आप खाया करें, ये हेल्दी भी होता है और सोयाबीन में तो प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। कैसा लगा मेरा वीडियो, वीडियो पसंद आया हो तो, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे अपने कमेंट भी करें, बना के खाएं, कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।